आज मैं आपको वर्षी कप के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि हम देखते हैं, काल का काम होता है परिवर्तन लाना। अब देखिए, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, और आपने देखा ही होगा कि काल का काम होता है परिवर्तन लाना। जैसे सीजन में चेंजेस आते हैं, और अभी तो देखिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन काल लेके आया है। ऐसे ही काल चल रहा था। काल का तो कोई थमने का नाम ही नहीं होता है, और अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। तो जैसे जैनिज्म में काल चक्र का कॉन्सेप्ट आता है, तो काल चक्र में ये काल के अंदर क्या क्या, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे सृष्टि में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसकी बातें की जाती है। तो आज हम पहले से तो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की मर्यादा है, पर मैं आपको लेके चलता हूँ काल चक्र के अवसर पीढ़ी के तीसरे आरा। अब जब तीसरा आरा चल रहा था और तीसरा आरा खत्म होने के कुछ समय पहले सृष्टि में बहुत सारे परिवर्तन होने, और उस परिवर्तन के समय पहले मानव कल्प वृक्ष के ऊपर डिपेंडेंट था, तो उसकी सभी जरूरियातें कल्प वृक्ष के माध्यम से परिपूर्ण होती थी। पर अब हुआ ऐसे कि धीमे धीमे कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया और कल्प वृक्ष कम होने लगे, तो समाज में बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगी। व्यक्ति की जो बेसिक नेसेसिटीज थी वो अब पूरी कहाँ से करना, क्योंकि पहले तो कल्प वृक्ष के पास मिल जाता था तो ना ही झगड़े थे, ना ही कोई ईर्ष्या थी, ना ही कोई कंपटीशन। पर जब कल्प वृक्ष ने फल देना बंद किया तब बहुत सारे समाज में परिवर्तन देखने मिले। समाज को सुव्यवस्थित करना थोड़ा मुश्किल हो चुका था, पर उसी समय हुआ ऐसे कि नाभि नाम के कुलकर और उनकी मरुदेवा नाम की भार्या, मरुदेवा ने 14 ड्रीम्स देखे। अब ये 14 स्वप्न यानी क्या, तो जैन शास्त्र कहते हैं कि ये जो ड्रीम साइंस है, सो बेसिकली जब हमें स्वप्न आता है तो स्वप्न यह इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में हमें क्या फल मिलेगा, या हमें एक इंट्यूशन देता है। तो उसी प्रकार कभी भी किसी तीर्थंकर का जन्म होता है तो उनकी माता स्वप्न में 14 ऐसे महास्वप्न देखती है जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही सुंदर और बहुत ही इतने अच्छे स्वप्न कि आप देखो तो आपका मन भर जाए। और ऐसे 14 स्वप्न तीर्थंकर की माता देखती है। तो मरुदेवा ने 14 स्वप्न देखे और कुछ समय के बाद ऋषभ कुमार को जन्म दिया। अब जब ऋषभ कुमार को जन्म दिया तो ऋषभ कुमार ने कैसे समाज को सुव्यवस्थित किया, कैसे वो पहले राजा बने, ये सब बातें हम कुछ अगले सेशंस के अंदर करेंगे। पर हम देखते हैं कि ऋषभ कुमार ने समाज को सुव्यवस्थित किया, फिर वे राजा बने, और राजा बनने के बाद कुछ समय बाद जब वो बगीचे में बैठे थे तो उनको विचार आया, और बगीचे को देखते देखते बगीचों में जो झाड़ों के ऊपर लताएं थी यानी कि वेलिया थी, उसको देखते देखते उनको उनके पूर्व भव की स्मृति, और जैसे ही पूर्व भव की स्मृति हुई तो उन्होंने खुद का देवलोक का पूर्व भव देखा, और तभी वो सोचने लगे कि अभी बहुत, अब मैंने भोग भूमि के अंदर बहुत भोग भोग लिए, अब मुझे त्याग मार्ग का प्रवर्तन करना है। आप देखिए कि हम शकलार्थ में कहते हैं आदिमम पृथ्वी नाथम मादिमम निष्परिग्रहम आदिमम तीर्थ नाथम च ऋषभ स्वामी नमस्ते, यानी हम जिस ऋषभ देव की स्तुति कर रहे हैं वो ऋषभ देव कैसे है, तो वो पहले पृथ्वी के नाथ है यानी कि पहले राजा। मादिमम निष्परिग्रहम, निष्परिग्रहम यानी जो परिग्रह नहीं रखता, यानी कि वो पहले साधु थे। आदिमम पृथ्वीनाथम मादिमम निष्परिग्रहम आदिमम तीर्थनाथम च, यानी कि वो पहले तीर्थंकर थे। तो अब जब हम ऋषभ देव भगवान को यानी कि ऋषभ कुमार को पहले तीर्थंकर कहते हैं, पहले निष्परिग्रही कहते हैं और पहले राजा कहते हैं, तो इनके जीवन में ये सब घटनाएं बनती गई। अब ऋषभदेव राजा तो बन गए, राजा बनने के बाद उनको जब पूर्व भव की स्मृति हुई तो उन्होंने सोचा कि मुझे अब त्याग धर्म प्रवर्तन करना है, और यह सोच को आगे कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने अपने पुत्रों के साथ अपनी इच्छा को बताया। अब जब पुत्रों ने ये इच्छा जानी तो पुत्र मान नहीं रहे कि आप ये सब छोड़ के चले जाओगे तो हम कैसे रह पाएंगे। पुत्र के साथ साथ जितने भी नगर के लोग थे वो भी यह मानने को रेडी नहीं थे। कुछ लोग तो कहने लगे कि आप जहां जाओगे हम आपके साथ साथ आपके पीछे आएंगे।
और देखते ही देखते ऋषभ देव तो अपने निर्णय के ऊपर बहुत ही स्थिर थे और उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय किया। अब जब ऋषभ कुमार ने दीक्षा ली तो दीक्षा के समय ऋषभ कुमार के साथ 4,000 लोगों ने दीक्षा ली। देखो महावीर स्वामी भगवान ने जब दीक्षा ली थी तो किसी ने भी उनके साथ दीक्षा नहीं ली, पर जब ऋषभ कुमार ने दीक्षा ली तो उनके साथ, यानी कि ऋषभ राजा ने दीक्षा ली तो उनके साथ 4,000 उनकी प्रजाजनों में से उन्होंने दीक्षा ली। अब दीक्षा लेने के बाद ऋषभ कुमार ने लोच किया। अब जब लोच कर रहे थे तो कोई भी तीर्थंकर होते हैं उनका ये प्रभाव होता है कि 5 मुट्ठी में तो उनका पूरा लोच हो जाता है, पर जब ऋषभ कुमार ने लोच किया तो 4 मुट्ठी की एक ही मुट्ठी बाकी थी। और तब इंद्रदेव ऋषभ कुमार को कहते हैं कि प्रभु इतना रहने दो, और इंद्रदेव की विनंती को मान देते हुए ऋषभ कुमार यानी कि हमारे ऋषभ देव एक मुष्टि लोच रहने दे। इसीलिए आप देखोगे कि हमें जब प्राचीन कोई कोई ऋषभ देव की प्रतिमा दिखती है तो उनके अंदर केश वल्लरिकाएं होती है। सो उसके पीछे रीजन ये है कि बाकी के तीर्थंकर में नहीं होता है पर ऋषभ देव की मूर्ति में ही हमें देखने मिलता है। अब ऋषभ कुमार ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद प्राय सभी तीर्थंकर मौन रहते हैं। अब ऋषभ कुमार भी मौन ही थे, उनकी साधना के अंदर उनकी आत्मा के अंदर उनका उपयोग था, पर उनके साथ जो 4,000 लोगों ने दीक्षा ली, अब उन ना ही ऋषभ कुमार कुछ बोलते हैं ना ही उनको कुछ मालूम है करना क्या, पर अब ऋषभ कुमार के साथ आ गए हैं, उन्होंने भी दीक्षा ले ली तो उन्होंने वापस जाना उचित नहीं समझा। तो थोड़े दिन के बाद ना उनको आहार मिला ना कुछ पानी मिला, तो सब लोग ऋषभ कुमार से अलग होके जंगल में अलग से रहने लगे और सब जटाधारी तापस हो, यानी कि जंगल में ही जो फल फूल कंदमूल मिल रहा है वो सब खा रहे हैं, एंड देन दे स्टार्टेड लिविंग इन द जंगल। पर यहाँ जो ऋषभ कुमार थे वो दीक्षा लेने के बाद भिक्षा के लिए घर घर जाते थे। अब जब घर घर गोचरी के लिए जाते थे, भिक्षा के लिए जाते थे, तो लोगों को कभी मालूम ही नहीं था कि साधु कौन होते, बिकॉज ऋषभ देव पहले थे जिन्होंने दीक्षा ली थी यह अवसर के लिए, तब उनको मालूम ही नहीं था तो साधु को क्या देना वो भी कैसे मालूम। तो वो तो सोचते थे कि ऋषभ तो हमारे राजा है तो राजा को तो हमें मूल्यवान चीजें देनी चाहिए, तो कोई रत्न देते उनको, कोई उनको घोड़े देते हैं, कोई उनको हाथी देते हैं, पर ऋषभ देव सब जगह से मुड़ जाते, ये सब चीजें लिए बिना मुड़ जाते। अब ऐसे होते होते दिन पसार होने लगे और एक दिन दो दिन तीन दिन नहीं पर लगभग 400 दिन हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट 13 महीने जितने दिन पसार हो गए। और तभी एक घटना घटी, हस्तिनापुर नाम का राज्य था और उस राज्य के राजा थे सोमप्रभ। अब ये सोमप्रभ के पुत्र थे श्रियांश कुमार। अब ये जो सोमप्रभ राजा थे वो और कोई नहीं पर ऋषभ देव के ही ग्रैंडसन थे, यानी कि ऋषभ देव के जो पुत्र बाहुबली थे उनके पुत्र सोमप्रभ राजा थे, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे। और सोमप्रभ राजा का पुत्र जो था वो श्रियांश कुमार था। अब हुआ ऐसे कि एक दिन की बात है, श्रेयांश कुमार ने रात को एक स्वप्न देखा। अब स्वप्न में क्या देखा, तो जो मेरू पर्वत थोड़ा श्याम हो चुका है, श्याम यानी कि डल हो चुका है, मेरू पर्वत की जो शोभा होती है वो डल हो चुकी है। तो श्रेयांश कुमार ने स्वप्न में देखा कि मैंने मेरू पर्वत का दूध से अभिषेक किया और उससे मेरू पर्वत की कांति बढ़ी। ये उन्होंने ड्रीम देखा, यानी कि मेरू पर्वत जो डल हो चुका था वो वापस एकदम प्रभावी हो गया। अब उसी रात को सोमप्रभ राजा ने भी स्वप्न, उन्होंने क्या स्वप्न देखा कि श्रेयांश कुमार ने मित्र राजा को एक शत्रु राजा की सेना से बचाया, यानी कि श्रेयांश कुमार के कारण उनके मित्र राजा ने युद्ध में जीत पाए। अब उसी दिन नगर में और राज्य के जो मंत्री थे जिनका नाम था सुबुद्धि मंत्री, उन्होंने भी एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि सूर्य की किरणें जो सूर्य से दूर हो रही थी श्रेयांश कुमार के कारण, श्रेयांश कुमार ने उस सूर्य की किरणों को वापस सूर्य के अंदर स्थित किया। अब दूसरे दिन तीनों राजमहल में मिलते हैं और तीनों के बीच में जब कॉन्वर्सेशन होता है तो बात बात में ऐसी बात हुई कि कल हमने श्रेयांश कुमार के रिलेटेड कुछ स्वप्न देखा। अब जब राजा ने ऐसे कहा तो मंत्री ने कहा कि मैंने भी देखा, और श्रेयांश कुमार ने कहा कि मैंने भी स्वप्न देखा, और तीनों जन ये स्वप्न को सुनते हैं और स्वप्न के फल के बारे में चिंतन करते होते हैं, पर उन्हें
कुछ भी समझ में नहीं आता, पर स्वप्न सभी श्रेयांश कुमार के रिलेटेड थे और सभी अच्छे स्वप्न थे, इसलिए उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि नक्की श्रेयांश कुमार को आज कोई विशेष लाभ होने वाला। और उसी समय हुआ ऐसा कि भगवान विहार करते करते हस्तिनापुर नगरी की ओर आए। अब जब हस्तिनापुर नगरी की ओर आए तो श्रेयांश कुमार को जैसे ही यह न्यूज मिले, वैसे ही श्रेयांश कुमार भगवान को देखने बाहर आए। और जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा और देखते ही श्रेयांश कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, यानी कि पास्ट लाइफ रियलाइजेशन। अब ये पास्ट लाइफ रियलाइजेशन में श्रेयांश कुमार ने जाना कि भगवान आज से पूर्व के तीसरे भव में चक्रवर्ती थे और मैं उनका सारथी। अब जब भगवान ने उस भव में दीक्षा ली थी तो मैंने भी उनके साथ दीक्षा ली थी। और श्रेयांश कुमार को यह सब ध्यान में आ गया कि एक साधु के आचार क्या होते, साधु की आहार विधि क्या होती है। और श्रेयांश कुमार सोचते हैं कि भगवान जो ठेर ठेर भिक्षा के लिए जा रहे हैं तो वो कोई भी रत्न कन्या गाड़ी घोड़े यह सब के लिए नहीं, पर भगवान को तो निर्दोष आहार की जरूरत, निर्दोष आहार यानी जिसके अंदर कोई भी दोष ना लगा होगा। और उसी समय हुआ ऐसा कि श्रेयांश कुमार का जो दरबार यानी कि सोमप्रभ राजा का दरबार, तो वहां एक खेडूत आया था, फार्मर, जो कि उसके खेत में गन्ने का पाक हुआ था और गन्ने का जूस लेके 108 घड़े गन्ने के जूस के वो खेडूत लेके सोमप्रभ राजा के दरबार में आया था। अब जब उसने राजा को ये घड़े भेंट दिए थे तो ये बहुत ही निर्दोष आहार था। और तभी श्रेयांश कुमार ने जैसे ही भगवान को देखा, भगवान को बुलाते हैं और तभी ये जो गन्ने के रस के घड़े थे उससे भगवान का पारणा करवाते, यानी कि इक्षु रस से भगवान का पारणा करवाया। तो भगवान का पारणा कितने दिन के बाद हुआ? दीक्षा लेने के बाद 400 दिन के बाद भगवान का पारणा हुआ और वो दिन था वैशाख शुद्ध तृतीय, यानी कि कल का, जिसे हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन श्रेयांश कुमार ने अक्षय ऐसा दान परमात्मा को दिया। अब जब परमात्मा का पहला पारणा हो चुका, तभी आपको मालूम ही होगा कि कोई भी तीर्थंकर का पारणा होता है कि उनकी लाइफ के ऐसे कोई ऑस्पिशियस इवेंट्स होते हैं, तभी देव पंचवृष्टि करते हैं यानी पंच दिव्य प्रकट करते हैं। क्या पंच दिव्य होते हैं? तो देव यानी कि आप देखो तीर्थंकर का पुण्य इतना जबरदस्त होता है कि आकाश से सुगंधित पुष्प जल रत्न मूल्यवान वस्त्र की वृष्टि होती है और अहो दानम ऐसी ध्वनि आकाश में होती है, यानी कि अद्भुत दान, अद्भुत दान। तो भगवान ऋषभ देव का सबसे पहला पारणा किसने करवाया? श्रेयांश कुमार ने। और एक साल के तप का पारणा करवाया, इसीलिए उसे वर्षी तप कहा जाता है। तो जिस प्रकार भगवान ऋषभ देव ने एक साल का तप किया, उसी प्रकार हमें भी उनका अनुकरण करना है और एक साल तप करना है। पर जैसे कि हम देखें भगवान ऋषभ देव का संग्रहण यानी बोन स्ट्रक्चर, उनकी शारीरिक रचना और उनकी शारीरिक स्ट्रेंथ कुछ डिफरेंट थी, पर अगर हम पांचवें आर्य के इंसान की बात करें तो हमारी शारीरिक स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रक्चर, शारीरिक क्षमता, इसके अंदर कुछ फर्क है। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने 400 दिन के उपवास की जगह एक उपवास एक याचना इस तरह वर्षी तप बताया। तो अगर रियल में किसी को वर्षी तप करना है तो अगर दो वर्षी तप करते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू जितने ऋषभ देव भगवान ने उपवास किए थे। अब हम बात ये करेंगे कि ऋषभ देव के जीवन में ये जो अंतराय आया, अंतराय यानी जहां आहार के लिए जाते थे तो उनको वहां आहार नहीं मिलता था, तो 400 दिन तक ऐसा क्या हुआ? क्या उन्होंने उनके जीवन में ऐसा कोई कर्म किया था कि जिस कर्म के कारण उनको आहार नहीं मिल रहा था? जब हम ऋषभ देव भगवान के जीवन की बात करते हैं तो उनके कुछ पूर्वों के भवों जब हम झांकते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ऋषभ देव भगवान मनुष्य के भव में थे और एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे। अब जब रास्ते से गुजर रहे थे तो बीच में एक खेत आया और उन्होंने खेत की और दृष्टि की तो उन्होंने देखा कि एक खेडूत यानी कि फार्मर जमीन को यानी कि खेत को जोत रहा है, यानी कि जोत रहा है। अब तभी हुआ ऐसा कि मध्याह्न का समय था, जो फार्मर था उसे भी बहुत भूख लगी थी और साथ ही साथ जो बैल थे उन्हें भी बहुत भूख लगी थी। तो जब वो जमीन जोत रहा था तभी हुआ ऐसा कि ये बैल बीच बीच में जो घास आ रहा था नीचे उसको खाने जा रहे थे, खा रहे थे।
जिसके कारण जमीन जोतने का जो प्रोसेस था वो स्लो हो रहा था, और उससे खेडूत को भी भूख लगी थी तो वो उनको चाबुक मारता था कि ये जल्दी आगे बढ़े और मेरा जो खेत है वो जल्दी जोता जाए। पर इसमें हुआ ऐसा कि जब ऋषभदेव भगवान का जो कि मनुष्य के भाव में था, उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने इस खेडूत को, इस फार्मर को एक सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया कि तुम ऐसे ही अननेसेसरी मार रहे हो इसको, एक काम करो, इसकी मुख के ऊपर यानी कि बैलों के मुंह के ऊपर जाली बांधो कि जिससे ये प्रॉब्लम ही नहीं हो, तुम्हारा खेत भी जल्दी से जोता जा सकता है। अब इसमें हुआ ऐसा कि ये जो ऋषभदेव भगवान का जीव था, उन्होंने तो ये एडवाइस दे दी, ना उसके बारे में लंबा सोचा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आ सकता है। बराबर ऐसे ही हम लोग भी छद्मस्थ अवस्था में कर्म वाले, तो हम भी कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा सजेशन दे देते हैं, ऐसी एडवाइस दे देते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उसके बारे में सोचते नहीं है। तो कभी भी हम कुछ डिसीजन ले, कोई एडवाइस दे, सजेशन दे, तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए। रमेश अंकल, अब हुआ ऐसा कि ये जो ऋषभदेव भगवान का जीव था, उन्होंने मास्क बांधने को कहा। अब ये जो खेडूत था उसने तो दोनों बैलों के मुख के ऊपर जाली बांधी, मास्क बांधी, जिसके कारण ये बैल घास खा नहीं पाए। अब जितना खेत जोतना था उतना हो गया, और मध्याह्न के समय भोजन का समय भी हो चुका था, तो जो फार्मर था वो तो भोजन के लिए बैठ गया और बैलों को जहाँ घास चारा था वहां छोड़ दिया। पर बैलों को छोड़ने से पहले जो उनका मास्क निकालना था, जो उनकी जाली निकालनी थी, वो भूल जाता है। अब हुआ ऐसा कि वो तो भोजन कर रहा है, कुछ समय विश्राम लेता है, और विश्राम लेने के बाद जब जाता है तो देखता है कि बैल तो भूख के मारे लेटे हुए हैं। अब क्या हुआ कि इतने समय में बैलों ने, बराबर, बैलों ने 400 निशासे डाले। निशासे यानी क्या? खाना, उनको भूख बहुत लगी, भोजन पास में था, तो वो जो खाना नहीं खा पा रहे उसके कारण उनको जो दुख होता है, तो उन्होंने 400 बार वो दुख को एक्सप्रेस किया, जिसके कारण ऋषभदेव भगवान या पूर्व के भाव में ये जो स्टेटमेंट दी थी, और बैलों को उसके कारण ये जो 400 बार उन्होंने दुख एक्सप्रेस किया, तो वो 400 का 400 दिन बन गया, और ऋषभदेव को अंतिम भाव में 400 दिन तक भोजन के लिए अंतराय आता रहा। यानी कोई व्यक्ति जब भोजन में किसी को अंतराय देता है तो उसे भी कहीं ना कहीं ये अंतराय कर्म का रिजल्ट बैर करना पड़ता है। जैसे आपको आज थोड़ा कहानी का सेशन है, बाकी मुझे कॉन्सेप्ट देने में भी बहुत मजा आती है, पर कोई नहीं, कभी कभी कहानी भी होनी चाहिए कि जिससे हमें हमारी हिस्ट्री और जो जो हम फॉलो करते हैं उसकी रीजन हमको मालूम कर्म की। तो ऐसा ही कुछ अंतराय कर्म हम श्री कृष्ण वासुदेव के बेटे दंडन मुनि में देखते हैं। सो जैसे कि हम देखते हैं श्री कृष्ण वासुदेव यानी और कोई नहीं बट नेमिनाथ भगवान के कजिन। तो जब नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, उनको केवलिंगनान हुआ, और केवलिंगनान होने के बाद वो द्वारिका नगरी में पधारे। अब द्वारिका नगरी श्री कृष्ण वासुदेव की नगरी, और जब द्वारिका नगरी में पधारे तो श्री कृष्ण वासुदेव की इतनी सारी रानी, इतने सारे उनके पुत्र, तो उसमें से दंडन रानी का पुत्र जिसका नाम था दंडन कुमार, तो यह भी देशना सुन रहा। अब जब देशना सुनने गए तो भगवान की देशना सुनके उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा अंगीकार। अब जब उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली और बहुत ही दुष्कर संयम जीवन पालन कर रहे हैं, पर उनके जीवन में ऐसा घटा कि जभी जभी दंडन मुनि गोचरी के लिए जाते हैं तो उनको गोचरी मिलती ही नहीं है। जभी जभी गोचरी के लिए जाते हैं तो हमेशा उनको खाली ही आना पड़ता था, बल्कि अगर कोई दूसरा साधु उनके साथ गोचरी के लिए चला जाए तो दूसरे साधु को भी गोचरी नहीं है। आप देखो दंडन कुमार का ऐसा कर्म का उदय था कि उनको तो गोचरी नहीं मिलती थी, बट अगर उनके साथ कोई दूसरे साधु जाते हैं तो उनको भी गोचरी। अब हुआ ऐसा कि वो नेमिनाथ भगवान पूछते कि ऐसा क्यों, ऐसे तो दूसरे साधुओं ने गोचरी लाई होती है उसमें से वो गोचरी पकड़ते थे, पर एक दिन उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा मेरा कौन सा कर्म है कि जिसके कारण मैं जभी जभी गोचरी के लिए जाता हूँ मुझे गोचरी मिलती ही नहीं है। तो नेमिनाथ भगवान ने उनके पूर्व भाव की बात की कि पूर्व के भाव में आप एक सेठ हैं और आप ज्यादा काम लें
के लोग में आपके जो एम्प्लॉयज होते थे उनको खाने के टाइम भी खाने नहीं भेजते थे और उनके पास ज्यादा काम खींचते रहते थे। अब उस समय उन्होंने जो अंतराय का मानना कि खाने का समय होता है, सबको भूख लगती है, तो भूख के कारण मही मन में जो उनको दुख महसूस होता है, वो दुख के कारण उन्होंने ऐसा अंतराय कर्म बांधा कि कहीं भी जाते हैं उनको पहुंचे नहीं। अब हुआ ऐसा कि जब दंडन मुनि को बात माननी पड़ी तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मुझे मेरी पुण्य के कारण गोचरी ना मिले, यानी कि जब तक मेरी अंतराय कर्म दूर हो जाए और तब तभी मुझे गोचरी ना मिले, तब तक मैं भोजन नहीं लूंगा, यानी तब तक मैं अन्न नहीं लूंगा। अब जब दंडन मुनि ने ऐसा निर्णय किया, ऐसा अभिग्रह किया, तो कितने दिन व्यतीत हो गए पर फिर भी दंडन मुनि खुद के यह नियम अभिग्रह को बहुत ही खूब तरीके से और बहुत ही समता रह के पालन कर रहे हैं। अब एक दिन श्री कृष्ण वासुदेव नेमिनाथ भगवान की देशना सुनने आए। उन्होंने नेमिनाथ भगवान से पूछा कि भगवान, आपके जितने भी साधु हैं उसमें ऐसा कोई साधु कि जो बहुत ही दुष्कर संयम जीवन पालन करता हो, यानी बहुत ही डिफिकल्ट? तो नेमिनाथ भगवान ने कहा कि कृष्ण, तुम्हारे बेटे दंडन मुनि वो बहुत ही दुष्कर संयम जीवन का पालन कर। अब श्री कृष्ण वासुदेव देशना से निकल जाते हैं और उन्होंने रास्ते में दंडन मुनि को गोचरी वर में जा रहे थे तभी देखा। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने जैसे ही दंडन मुनि को देखा, वो हाथी की अंबाड़ी के ऊपर जा रहे थे, उसके ऊपर खड़े होते हैं और दंडन मुनि को नमस्कार करते हैं, मत्थेण वंदामि करते हैं। अब यहाँ हुआ ऐसा कि श्री कृष्ण वासुदेव तो चले गए और दंडन मुनि आगे बढ़े तो एक सेठ ने उनको वारने के लिए बुलाया। जब वारने के लिए बुलाया तो उस दिन सेठ ने दंडन मुनि को लड्डू वारा, मोदक वारा। तो दंडन मुनि बहुत खुश हुए कि आज मुझे लग रहा कि मेरा कर्म खत्म हो गया, यानी कि आज मुझे मेरे पुण्य के कारण गोचरी मिली। वो सीधा नेमिनाथ भगवान के पास जाते हैं और नेमिनाथ भगवान को कहते हैं कि भगवान, मुझे लग रहा है कि आज मेरा अंतराय कर्म टूट गया है, जितना कर्म मैंने माना था, और आज मुझे मेरे कारण गोचरी मिली है। तब नेमिनाथ भगवान कहते हैं कि नहीं दंडन, आज जो तुम्हें गोचरी मिली है वो तुम्हारे कारण नहीं पर वासुदेव के पुण्य के कारण मिली। जब वासुदेव खड़े रहकर नमस्कार किया तो वो सेठ ने ये दृश्य देखा और उन्होंने सोचा कि जिसको वासुदेव नमस्कार कर रहा है, ठीक है, हमारा राजा बराबर, तो उसको मैं पूछ ही देता हूँ, यानी कि वासुदेव के पुण्य के कारण, श्री कृष्ण वासुदेव के पुण्य के कारण तुम्हें गोचरी मिली। अब देखो दंडन मुनि की क्षमता कि उन्होंने बिल्कुल इसके अंदर अप्रीति नहीं की पर बल्कि सोचा कि अगर मुझे मेरी लब्धि से गोचरी नहीं मिली तो ये गोचरी मैं नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। और दंडन मुनि गोचरी को बैठाने के लिए जाते हैं और हमें बिल्कुल भी द्वेष मन में बिल्कुल भी आत्म ध्यान नहीं करते और वही फेड ऑफ होके यानी सभी कर्मों प्राप्ति होती। देखो यह पॉइंट ये था कि जैसे दंडन मुनि के जीवन में अंतराय कर्म का उदय आया, ऋषभ देव भगवान के जीवन में अंतराय कर्म का उदय आया, तो हमें भी हमारी डीड्स, हमारे थॉट्स और हमारे बॉस के बारे में सोचना है कि हमारी जो डीड्स है कहीं हमारी डीड्स ऐसी तो नहीं कि दूसरों के जीवन में अंतराय लाती है, दूसरों को खाने के अंदर अंतराय, दूसरों को कोई लाभ हो रहा हो तो उसके अंदर अंतराय, तो हमारी डीड्स ऐसी तो नहीं, हमें सोचना है इसके ऊपर, थोड़ा चिंतन करना है कि जिससे हम वर्तमान में ऐसी चीजें करें कि जिससे हमारे भविष्य में उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको पूरे ना मिले, हमारी एक्शंस के हमें अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस ही मिले। तो हमने इस तरह ऋषभदेव भगवान के जीवन की ये घटना देखी कि क्यों उनके जीवन में वर्षितप हुआ, उन्होंने 400 दिन तक आहार और पानी क्यों नहीं मिला, उन्होंने पूर्व के भव में ऐसा क्या किया था। तो यह घटना हमने आज देखी। विश्व के सभी जीवों का कल्याण हो उस भावना से अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, खा में सब जीवे सब्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूये सुवैरम मज्जन केणे सर्वथा सौ सुखी का ओ पापना कोई आचरो राग द्वेष मुक्त बनी ने सम सौ समाचरो।